हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर 8th डे अमित। 8th डे ऑफ आवर 15 डेज इजी चैलेंज। यस, तो कल तो हमने आपको दिखाया कि हमारे मासी मासड़ जाए हुए थे, तो हमने जो है वो चीजें कुछ रिकॉर्ड कर ली थी। जी हाँ। एंड ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि किसी से बात करते करते ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो आप, है ना। हाँ। टाइम देना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। राइट। अच्छा, तो अब हमने पोहा खाया सुबह, ऑब्वियसली भोजन को जाना था तो पोहा बनाया था मैंने। एंड अब हम ब्रश करते हैं, और चूंकि आज अगेन अभी हम घूमने नहीं गए तो हम शाम को घूमने जाएंगे, ठीक है। जी हाँ, घूमने मतलब 45 मिनट्स का एक्टिविटी। राइट। हर चीज पूरी हुई, चाहे अगर सुबह ब्रश भूल जाओ ना तो दोपहर को और रात को कर लो। सुबह ब्रश कहाँ बोले हम, एक्चुअली हम कल जो है, कल छुट्टी थी तो हम जो है 3 बजे खाना खाया, 3 बजे खाना खाया तो हमने उस टाइम ब्रश किया, हमने खाना खाने फिर रात को ब्रश, फिर रात को खाना खाने के बाद ब्रश किया। वेरी गुड, शाबाश। Thank you. और बाकी सर्दी होने लगी आपको यहाँ से, और यहाँ से पता चल गया मतलब हमें लगनी शुरू हो गई। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तब तो ज्यादा लगती है। और मुझे जुकाम हो गया था ना कल बहुत तेज, मुझे भी करते तो इसलिए नहीं, मैं तो मजाक करता हूँ, मैं सच में थोड़ा तो बहुत तेज जुकाम हो गया था इसलिए मेरा ये है, बहुत तेज जुकाम हो गया था इसलिए जो है मैंने सेफ साइड के लिए ये पहन रखा, और मुझे गर्मी भी नहीं लग रही इसमें, आई एम फीलिंग अच्छा। आराम आज अमित आराम से ब्रश कर रहा है। गुड, चलो जी ब्रश करते हैं और शाम को मिलते हैं, ठीक है। लीजिए जी, खाना रेडी है, अमित का मुंह बन गया है क्योंकि हमने इनके फोन का लॉक नहीं लगाया है। कुछ भी बिना कैसी है ना, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। देखो आपको जो पीछे अमित दिख रहा है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना प्यारा हंस रहा है। ये यहाँ पे चिड़किया सा हुआ रहता है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये रहने बस, ये देखो जी अपना, ये बहुत टेस्टी सी रोटी है, ये मिक्स वेज बची हुई है, गरम कर लिया बहुत अच्छे से, ये दाल बनाई गई है, ये रायता बनाया गया है पालक का, ये रोटी अगेन, ये चावल अगेन, और ये अमित वाह जी वाह करते हुए, वाह क्या बात है रवीना, मतलब मुझे ऐसे क्या खाना है, अगले 10 जन्म तक तुम्हें मेरी वाइफ बनना। हाँ, मैं रीनी हूँ तुम्हारा। ओ भाई, उतारूंगा देवी, अगले जन्म में तुम मेरी वाइफ बनना। नहीं रेडी हो ना तुम, ऐसे कर जुटा दोस्तों, ये था हमारा खाना, अभी हम जो है बुक पढ़ेंगे, और उससे पहले हम 45 मिनट्स जो है वो वॉक करके आएंगे आज, क्योंकि दिन में नहीं हो पाया तो हम शाम को अभी 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करेंगे। हाँ। ठीक है, उसके बाद हम बुक पढ़ेंगे। ये निकल पड़ी है दो जवान घूमने की फिजिकल एक्टिविटी के लिए। हाँ। जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग कर रहे हैं, सुबह टाइम नहीं था इसलिए हम शाम को कर रहे हैं, और अभी 9:15 हो चुके हैं, और हमें 9:30 तक करनी है। जी हाँ। अब जब आगे हम जाएंगे तो आगे जो है अंधेरा हो जाएगा, लोगों की हलचल भी नहीं है क्योंकि शायद सर्दी लेट हो गया, और सर्दियां भी शुरू होगी थोड़ी सी, कोई दिख नहीं रहा बहुत कम, और धुआं भी देखिए पीछे बंद है, ठीक है सारे नहीं बताएंगे, धुआं भी हो रखा है। चलो जी करके आते हैं थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग, और फिर आके और ब्रश करनी है और बुक पढ़नी है, दो काम रहते हैं, ठीक है जी। ये कल दशहरा है दोस्तों, दशहरा, हैप्पी दशहरा इन एडवांस, हैप्पी दशहरा इन एडवांस, बुराई पर अच्छाई की जीत, जीत हमेशा होती है। ओके, हट जा अमित, कहाँ गए, इधर, अरे हाँ दोस्तों किसी के तो शादी है, मैं तो परेशान हो गई, ऐसे लगा एकदम से जैसे हमारी छत पे छोड़ो दिमाग में बजा रहे हो, इतनी जोर से आवाज आ रही है ना इतनी देर से, पोल्यूशन तो छोड़ो इन्होंने तो नॉइस पोल्यूशन भी कर दिया। तुम बोलो कुछ, तुम्हें जरूरत है बोलने की, कोई परेशानी होती है ऐसे, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मन कर रहा है कि वो होता है ना ऐसे रूल्स स्ट्रिक्ट हो तो मैं 10 बजे के बाद पुलिस को फोन कर, मैं बताता हूँ रवीना का क्या था, इससे पहले जब उन्होंने पटाखे बजाए थे ना रवीना को, अभी ये बहुत जोर जोर से बोल रहा है, ये क्या दिमाग खराब हो गया दादी, कहेंगे तो ही देखियो अभी कितने बजे जा रहे हैं बावड़े लोग कती है, ऐसे भी क्या खुशी हो रही है शादी करके। सच नहीं बोल रहे ना, सच नहीं बोल रहे, नहीं मतलब ठीक है ना, हंसी खुशी कर लो, ये क्या था, अब जाके बंद हुए हैं मुझे लग रहा है इनकी खुशी इतनी थी, अरे वो नहीं होते 10-10 हजार वाले आते हैं वो बंद ही नहीं होते, फिर बजते रहते एक बार उन्होंने गली, हाँ गली में रख रखा था ऐसे जाने में, पर मैं देखा अंतर्यामी है, ठीक लगा ऐसे, इसको सारी चीजें अपने आप आ जाते हैं दिमाग में, नहीं मैंने देखा वो ब्रह्मांड दिख रहा है इसको दिमाग में, वो सामने गली नहीं दिख रही है, वहां से नीचे रख दिया वो सपोर्ट देते हैं और वो चलता रहता है बस कंटिन्यूटी में, एक बार शुरू किया। चलो किताब पढ़ते हैं, आ ही गए थे हम, चलिए अभी किताब पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा
थोड़ा सा नियमित बहुत नहीं आज बहुत सोते हैं बस अमित बस हाँ बस दो दिन लेट सो के अब इसका आजकल तो बहुत लेट हम तो सारी कसर जो अगले 4-5 दिन में निकाल देगा पूरा हफ्ता सोएगा मेरी आंख में सच्चाई देखो बस अमित बस वो तो हमारी माता जी हैं जो हमें उड़ जाओ ना करके उठा नहीं तो हम पूरा दिन सो सकते हैं ना। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 8 घंटे सोऊंगा मैक्स मेरा मिनिमम और मैक्स जो है 7.5 से 8 घंटे हो। अच्छा चलो बुक पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं क्या सीखा। स्ट्रेस के साथ तो मैं 10 घंटे भी सो सकता हूँ लेकिन इसलिए मैं लेट पा नहीं हूँ स्ट्रेस गड़बड़ हो जाएगी। हेलो एवरीबॉडी नींद आ रही थी हमें लेकिन हेलो एवरीबॉडी नहीं पढ़ ली हमने ये बोलो एवरीबॉडी मतलब हाँ वही रुबीना बीच में तो देखती है मेरी सुनती नहीं है बट कोई बात नहीं ये रोज का है ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हम लोगों ने बुक्स जो है पढ़ ली हैं एक्चुअली हमें नींद आई थी मुझे तो स्पेशली बहुत नींद आई थी। रवीना पहले मुझे बोलने दिया करो यार। अच्छा सॉरी ठीक है तो चलिए पहले रवीना से शुरू करते हैं उसने क्या तुम बताओ मेरा इंटरेस्टिंग होता है तुम्हारे वाली बोरिंग बता दो पहले तुम्हारे अच्छा ओके तो ये इकिगाई पढ़ रहे थे हम तो इस बार इन्होंने इस चैप्टर में इकिगाई डाइट दी थी कि क्या क्या वो लोग खाते हैं। सो एक प्रोफेसर है बेसिकली कुछ भी लगा लो रिसर्चर लगा लो वहीं के यूनिवर्सिटी के उन्होंने 1970 से लेके अब तक 700 रिसर्च पेपर पब्लिश किया अमित इस बार से रिलेटेड इस बात से रिलेटेड उनके खाने और उन लोगों के ऊपर बेसिकली ठीक है। सो ये जितने मतलब अगर इन्होंने पूरी बुक छाप रखी है इस बात से रिलेटेड ओकिनावा प्रोग्राम से नाम से रिलेटेड ठीक है। सो इनकी जो मिरेक्युलस डाइट है ना बाकी चीजें तो सेम ही है कि हाँ ये मूवमेंट रखते हैं चलते फिरते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा घर पे बिल्कुल बैठते नहीं है जैसे यूजुअली बुजुर्ग अगर इंडिया में हम आसपास देखें या जितने मैंने देखे हैं एटलीस्ट वो हमें बैठे मिलते हैं या बैठ के न्यूज पेपर पढ़ते हुए मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा या विंडो से बाहर देखते हुए मिल जाएंगे कुछ बट इनकी जो मूवमेंट है वो हम यंगस्टर्स से भी ज्यादा है इनके 110 साल वाले बुड्ढे की उम्र मूवमेंट सो वो सबसे बड़ी चीज तो है ही वो तो कई बार बोल चुके हैं हम इस बारे में बट इनकी डाइट पे रिसर्च करके ये पता चलता है कि ये लोकल फूड वैरायटी बहुत है इनके फूड में कलरफुल रेनबो वैरायटी मतलब अगर एक एक दिन का इनका फूड देखे ना तो डिफरेंट इनके मसाले और सारी चीजें मिला मिलू के 206 तरीके की चीजें खाते हैं एक दिन में सारे डिफरेंट फूड मतलब उसमें ऑब्वियसली स्पाइसेस वगैरह और सारी चीजें इंक्लूड हो गई इट्स लाइक काली मिर्च हो गई धनिया हो गया इस तरीके से सारी चीज मिला के अलग अलग चीजें ठीक है। इनकी पूरे दिन में एटलीस्ट 5 से 5 सर्विंग लगा रखे इन्होंने एटलीस्ट 5 सर्विंग होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मतलब मान लो आपने एप्पल खा लिया आपने जो है बनाना खा लिया ऐसे कर करके कुछ कुछ ठीक है और बाकी चीजें तो इनकी वो आलू वगैरह तो होते ही हैं इनकी डाइट में ज्यादा तो बेसिकली ये जो फैट वाली चीजें ना वो भी किससे लेना चाह रहे हैं वेजिटेबल्स से तो ये वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं एज कंपैरिजन टू बाकी चीजें। हाँ ग्रेन्स तो खाएंगे ही जैसे हम ये वो रोटी खाते हैं ये लोग चावल खाते हैं चीनी होती है ना वो तो ये खाते ही नहीं है और अगर इनको फिर भी चीनी खानी हो तो वो किस फॉर्म मतलब मीठा खाना हो तो वो गन्ने की फॉर्म में खाएंगे यानी रो फॉर्म में ऐसा नहीं कि उससे चीनी बना ली आपने ऐसे नहीं खाएंगे ये ठीक है। तो वो चीज प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं है और वो हारा हाचीबू यानी कि 80% ही आपको पेट भरना चाहिए वो तो मेजर वो तो है ही। सो बाकी इनके एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं जैसे क्योंकि ये वो ले लेते हैं ग्रीन टी जैस्मिन टी होती है वहां पे ठीक है तो जैस्मिन ग्रीन टी मतलब जैस्मिन फ्लेवर की आती है किसी भी कंपनी की आती है तो ये यहाँ पे तो उतनी ऑथेंटिक मिलनी मुश्किल है लेकिन फिर भी बेस्ट क्वालिटी की जो आप ले पाओ वो ये दिन में 3 कप तो ग्रीन टी पी लेते हैं इतना एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है इनकी बॉडी में और ग्रीन टी वगैरह का सीक्रेट है इन्होंने बता रखा था। एक उनका जो फ्रूट होता है ना शिकुवासा जो कि संतरे जैसा ही होता है उसमें बहुत मतलब अपने 40 संतरों जितनी शक्ति होती है उसमें ऐसा लगा सकते हो इतना खट्टा होता है मतलब उसमें बिना पानी मिलाए तो आप पी नहीं सकते रो वाला तो इतना खट्टा होता है वो तो वो सारी चीजें वो कंज्यूम करते हैं। और इनके जो केक्स होते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स के जो केक आते हैं बर्थडे पे वो भी उस फ्रूट के बन के आते हैं शिकुवासा केक होते हैं वो
सो वो बेस्ट पार्ट होता है। बाकी अगर ओवरऑल मिला के इनकी डाइट देखी जाए तो हम जो चीज कर सकते हैं, एक तो इन्होंने बोला कि जापान में जितना एवरेज है ना, कि एक मतलब ये इकलौती जगह है ओकिनावा जहां के लोग, जापान की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस वो कर रखी है ना कि भाई एक दिन में आपको 10 ग्राम से कम आपको वो खाना है क्या, नमक, एक इंसान को, तो ये 7 ग्राम खाते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये पहला है, एक ही जगह है जो कम कर रखा है इन्होंने। सो हम जो कम कर सकते हैं, जो मुझे इस चैप्टर से समझ आया अपनी डाइट में, एक तो हम मीठा स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, खास करके जो प्रोसेस्ड जो प्रोसेस्ड है बेक्ड फूड में, जैसे हम आज को शुगर है, चीनी है, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा नमक कम कर सकते हैं हम, ठीक है, 10 ग्राम ही पूरे दिन में एक इंसान का नमक होना चाहिए, वो कम कर सकते हैं। फ्रूट्स ज्यादा ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा ऐड कर सकते हैं। सो ये चीजें हम कर सकते हैं बेसिकली, तो मुझे अच्छा लगा। ऑल्दो इन्होंने गाय का दूध भी कम कर मना करने को बोला भाई, देखो तो इन्होंने ऐसा बोला है कि कुछ एक फूड जो बिल्कुल हटाने ही है, गाय की ब्रीड कौन सी है और कुछ नहीं मेंशन कर रखा, सो वो चीज है। तो हम जैसे वो आप ब्राउनी वगैरह खाते हैं उसको और रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, अभी तो चलो अभी तो बंदी है, तो इसलिए जो मीठे मीठे वाली चीजें इन जनरल जो हम पढ़ते हैं और फ्रूट्स वगैरह ज्यादा कर सकते हैं, वही बेटर है डाइट में। जल्दी मेरे में ट्यूसडेज विद मौरी, इसमें जो है वो बात करते हैं मनी से रिलेटेड, मनी के एस्पेक्ट में। जो प्रोफेसर है मौरी, उनका कहना है कि जैसे हम हमें पता ही नहीं होता कि हमारी नेसेसिटीज क्या है, नीड्स क्या है और हमारी वांट्स क्या है, बड़ा सा घर, ज्यादा जमीन, कार, ये सब जो है हमारी वांट्स है, हम चाहते हैं ये वाली चीजें, लेकिन बेसिक चीजें नीड्स क्या है जो हमें जरूरी है, फूड, शेल्टर, ये वाली चीजें जो है मतलब बिल्कुल नेसेसिटी, इनके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। लोगों को लगता है एक बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, ये सब जो है हमारी नीड्स है, वो नीड्स नहीं होती है आपकी, तो वो जरूरतें नहीं, आपकी इच्छाएं होती है, इच्छाएं। क्योंकि उसका ये भी कहना था कि जब ये सब आपके पास मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं लेकिन आपके पास लोग नहीं है, तो आप सिचुएशन सोच सकते हो, वो वर्स्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि दीवारें तो नहीं बोलेंगे ना आपसे, कार तो नहीं बोलेगी ना आपसे, बट लोग भी हैं और आपको पता भी है कि ये आपकी इच्छाएं हैं, तो उसको पूरी करने में क्या दिक्कत है, वो तो चलो ये मेमोरी से थोड़ा कई बार डिसएग्री कर जाती हूँ वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ह्यूमन के एस्पेक्ट में ठीक लगता है कि हाँ हम जो है ह्यूमंस हैं तो इमोशंस हैं हमारे, जैसे हम फिजिकल टच से हाथ मिला के किसी से, मदर ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया, फादर ने कुछ बोल दिया, या मतलब हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस के साथ ही चलते हैं, तो हमें कोई भी ऐसा पर्सन चाहिए जो रिस्पोंड करे हमारी बात का, उसी से हम अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी बात करी कि हाउ लव गोज ऑन, कि लव स्प्रेड कैसे होता है, तो उसने मौरी जैसे मिच जो उसका स्टूडेंट है, उसने बताया अपने बारे में कि जब भी मैं आता था तो एक यूनिक स्माइल के साथ मेरा स्वागत करते थे, तो इवन कल को जब मौरी की डेथ हो जाएगी तो वो कैसे याद रखेगा, मतलब मिच जो है मौरी को कैसे याद रखेगा, कि जब मौरी बोलता है कि तुम मुझे याद रखोगे, तो मिच बोलता है कि मतलब ये कैसे, मतलब मुझे क्या पता कि बाद में क्या होगा, तो मौरी का कहना है कि क्या कुछ कभी ऐसा हुआ है कि मैं नहीं हूं अब, तो तुम घर हो और तुम्हें एकदम से मेरी कोई बात याद आई हो, मेरा ध्यान आया हो किसी भी चीज को लेकर के, तो बोलते हैं हाँ ऐसे मोमेंट होते हैं, तो वो बोलता है कि फिर मैं याद रहूंगा तुम। सो ऐसे ही अलग अलग चीजों से जब आप अपना कीमती टाइम किसी को देते हो ना, तो वो हमेशा, जैसे आप हमारा ब्लॉग देख के कीमती टाइम दे रहे हो, तो हम कुछ नई बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ पढ़ा के, तो आप लोगों को हम कभी कभी याद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज है, ये एक्सपीरियंस की बात है, आप लोग भी सोच सकते हो इस बारे में, आपको भी अपने रीजंस मिल जाएंगे कि हाँ यार ऐसा होता है। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि मनी की अपनी एक वैल्यू है, हमें अपनी नीड्स और वांट्स का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस किसको देनी है किसको नहीं देनी है ये भी पता होना चाहिए, और हर एक ह्यूमन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और लव जो है स्प्रेड करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा हो गया तुमसे तो कम बोल रहा हूँ। चलिए जी, ये एक्चुअली रवीना ना, मैं सच बताता हूँ, नहीं देख देख मुझे एग्जैक्टली पता था ये ऐसा बोलेगी, लेकिन सिर्फ मैं जिस्ट में बताता हूँ कि रवीना बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करती है, मैं भी रवीना से ये सब चीजें सीख रहा हूँ, सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है रवीना, क्या वन ऑफ द क्वालिटी, आज तो हम इतने, मेरी क्वालिटी बताई, क्वालिटी हजम नहीं, गुण बताया मेरा, नहीं मुझे पता था वैसे हजम नहीं होता। चलिए जी, तो ये अभी ब्रश करते हैं, एंड डे एंड्स हियर, कल नया दिन शुरू होगा,
दो बुक पढ़ लेंगे हमें तो। हम चलिए जी, आप लोगों ने भी दो बुक पढ़ ली होंगे 15 दिन के बाद। शाबाश, बहुत हिम्मत दिखाई आप लोगों ने हमारा व्लॉग सुन सुन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी योरसेल्फ, बी एंथुसियास्टिक, बी एंथुसियास्टिक, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। दोस्तों, नो योर नीड्स, नो योर वांट्स, नो योर वांट्स, नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड ह्यूमन बीइंग्स एज़ वेल। चलिए जी, मिलते हैं। बाय 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 बाय। ये तो जा रही।